देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। पिछले कुछ समय से लड़की के साथ स्कूल आते जाते समय छेड़छाड़ कर रहे मजनू को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लड़की की शिकायत पर दबोच कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर आए दिन हो रही छेड़छाड़ से महिलाओं व युवतियों को मुक्ति दिलाने की घोषणा की थी, लेकिन सड़कों से आज एंटी रोमियो स्क्वाड नदारद है। लगातार महिलाओं के साथ बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर समाज में आक्रोश है। ऐसा ही एक मामला जनपद शामली के थाना भवन कस्बे का सामने आया है, जहां पिछले काफी समय से एक मजनू स्कूल जाने वाली एक छात्रा को आए दिन छेड़छाड़ करते हुए परेशान कर रहा था। लड़की ने परेशान होकर स्कूल भी जाना बंद कर दिया था। लड़की ने छेड़छाड़ की सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर परेशान कर रहे मजनू को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। और उसने परसों एक बहन के साथ बदतमीजी करी, डैश की सूचना कल हमें मिली और हमने अपने स्तर पर इसकी जांच करी। जांच करने के बाद पाया कि लड़की का हाथ पकड़ रहा था, ये लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। और स्कूल टाइम में जब भी लड़कियों की छुट्टी होती थी तो ये बाइक पर गश्त कर अपने चक्कर काटता था। और उस अंतर परसों लड़की का उसने पकड़ा, लड़की ने विरोध में इसके दो चार लगा दिए, उसके बाद ये लड़का भाग गया। पर से हम बजरंग दल के कार्यकर्ता उसकी तलाश में थे, तो आज ये स्कूल टाइम में हमें मिल गया, क्योंकि उस बहन की जो दशा है रात अंदर देखी नहीं गई, उसका इतना बुरा हाल है रो करके जब से इसके साथ ये हरकत करी कि उस बहन ने कल से ना तो ट्यूशन गई ना स्कूल गई और ना कोई खाना खाया। हमने उसे रात आग्रह करा कि जो भी राक्षस है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और आज हमने इसे फील्डिंग लगा करके कार्यकर्ताओं के माध्यम से पकड़ लिया। सर क्या पता चला है लड़का कहाँ का है? पता चला है लड़का कहाँ का है? ये लड़का थाना का है। तो अब किसको दिया है लड़का? ये पुलिस को सौंप दिया।